हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द इन्फोसिस डीएससी एसपी एग्जाम। ओके, जैसे आप लोग पता हो फ्रेंड, कल के दिन काफ़ी लोगों को जो यहाँ पर एग्जाम का मेल आना चालू हो गया है, काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम को लेकर, पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को लेकर और भी बहुत कुछ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। मतलब कि कंप्लीट पैकेज आपके लिए होने वाला है रिलेटेड टू द इन्फोसिस। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर द इन्फोसिस डीएससी एंड एसपी रोल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट व्हाट टाइप ऑफ मेल यू विल रिसीव इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डीएससी एंड एसपी राउंड। बता दो फ्रेंड, इस तरह का आप लोग का मेल तभी आएगा जो आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। अगर आप लोग मैच करते हो तभी आपके पास ये मेल देखने को आएगा। मतलब कि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एसपी एंड डीएससी एग्जाम। ओके, और फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। ओके, तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को फिलफिल नहीं कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर एग्जाम का मेल देखने को नहीं आएगा। सर, क्या रिजेक्शन मेल देखने को आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, रिजेक्शन मेल आता है एग्जाम के बाद, इंटरव्यू के बाद, बट अप्लाई करने के बाद रिजेक्शन मेल नहीं आता। मे बी आप लोग का ये आ सकता है कि आपको आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो वी कांट प्रोसीड योर एप्लीकेशन फर्दर, ऐसे आ सकता है मे बी, बट चांसेस आर वेरी लेस। ओके, एग्जाम है 29 जुलाई किसी का, 30 जुलाई किसी का, 28 जुलाई भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स। ओके, और एग्जाम का लिंक आना चालू होगा कि दो दिन पहले, ये सब कुछ होगी। आपको वन टाइम पासवर्ड रिसेट करना होगा, मैं आपको बता दूंगा जब मेल आना चालू होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको वन टाइम पासवर्ड रिसेट करना है, सिस्टम एडिनेस टेस्ट कैसे करना है, बाकी सब कुछ आप डरो मत। आप लोग एकदम यहाँ से मैं आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। चलिए, और सबसे पहले मैं देखते थे फिर आप लोग का जो है जो इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था ना इन्फोसिस टीम की तरफ से, वो ये है। आप लोग फिर नहीं, लास्ट अप्लाई करने का 17 जुलाई। ओके, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो बी ई, बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी, एम एस सी के लिए एलिजिबल थे, इसके लिए 2019 से लेकर 22 बैच के लिए एलिजिबल है। सी एस सी, डबल ई, ट्रिपल ई, सी ई, आई टी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और आपका ये लोग एलिजिबल थे। और ये रहा दो रोल आपका एसपी एंड डीएससी पैकेज, आप लोग मेंशन किया गया। फिर आपका इसका जो पैकेज होने वाला 6.25 और आपका जो ये पैकेज होने वाला वो आपका 9.5। आप लोग देखेंगे 6.25 और इनका 9.5, यहाँ पर 9.5। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, आप आगे देखते हैं फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको मैं इसमें देखने मिल रहा है फ्रेंड, सेम है आपका जो सिस्टम इंजीनियर का था वही आपका इसमें भी है, दोनों का सेम है होने वाला है। ओके, 60% टेंथ में होना चाहिए आपका, 12th में 60%, और डिप्लोमा अगर आपने किया होगा तो 68%। ओके, अगर आप बी बी टेक किए हो 68% या फिर आपका 6 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप लोग सीजीपीए में 6 है देन इट्स फाइन, अगर आपका परसेंटेज में 68% है तो कन्वर्ट मत करना, ठीक है। तो 68% और 6 सीजीपीए इट्स एनफ। अगर आपने एम ई एम टेक कर रखा होगा तो 68% और 6, मतलब कि 68% होना चाहिए, आइदर 68% या फिर 6 सी जी पी ए, देन इट्स फाइन। अगर आप लोग का 6 सी जी पी ए है पी डी सी में, मतलब कि पासिंग सर्टिफिकेट में, देन इट्स फाइन, डरने की बात नहीं। अगर परसेंटेज कटे 68% है उसको सी जी पी ए में मत करना, जिसका सी जी पी ए परसेंटेज मत करना, दोनों का आपस में देख लेना कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं। ऑल परसेंटेज सी जी पी ए शुड बी सिंपल एवरेज फॉर ऑल सब्जेक्ट सेमेस्टर ईयर इंक्लूडिंग इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब के पास सब में होना चाहिए, मतलब एवरेज होना चाहिए सभी का, ठीक है। तभी लोग बोलते सर मेरा पर सेमेस्टर में इतना इतना, ऐसा नहीं होगा। आप लोग का एवरेज होना चाहिए 6 सी जी पी ए से ऊपर या फिर 68% से ऊपर। इन केस द कैंडिडेट हैज डन बोथ क्लास 2 डिप्लोमा द बेस्ट ऑफ द टू टेकन इनटू कंसीडर, मतलब कि अगर आपने 12th भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, तो इन दोनों में आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो 12th का लेस देन 60% है, अगर आपका डिप्लोमा में मोर देन 68% है, देन इट्स फाइन, आप लोग एलिजिबल हो। ओके, और फिर ये आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस ईजी आने वाला, टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन विल बी टेकन अटेम्प्ट इन 3 आवर्स, टेस्ट विल बी एट द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज द टोटल कट ऑफ। ईच क्वेश्चन में भी बिलोंग टू अ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। पहला आपका इजी होने वाला है, सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व बाय बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड आपका मीडियम, यूजुअली क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रीडी एल्गोरिदम। हार्ड क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कोड कैन बी रिटन फॉर एनी ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट, आप लोग इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। और रहा बात कट ऑफ वाले की, आप डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली कट ऑफ, इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन एंड इफ यू आर सॉल्विंग दिस इजी क्वेश्चन देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड। I'm again repeating, if you solve this question, hard question and easy question, then you can easily qualify. Second, और अगर आप लोगों को फिर यहाँ पर चाहिए एस पी रोल जो कि आपका है 9.5, इसके लिए फिर आप लोगों को जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने ही करते होंगे। एस पी काफ़ी कम लोगों को देखने को आता है, डी एस पी बहुत लोगों को देखने आता है, डी एस पी बहुत लोगों को देखने को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग का एग्जाम अच्छा से देना होगा। इफ यू वॉन्ट एस पी रोल देन यू हैव टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन तीनों, और हाँ सोल्व करो। मान लो कि आपका इसमें टोटल, और मान लो कि 16 टेस्ट कैसे थे, तो आपको 50% कम से कम आपको रखना ही पड़ेगा,
50%, 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
एप्टीट्यूड सॉल्व करो देन इट्स फाइन, इजी सॉल्व करो, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो देन इट्स आल्सो फाइन, बट इफ यू वांट अ एसपी रोल देन यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन एंड अगर आपका तीनों में से अगर आप लोग का एक दो टेस्ट केस फेल भी होता है देन इट्स फाइन, बट आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर द एसपी रोल एंड फॉर द डीएससी रोल, जो कि इसके लिए आप लोग ना जो है हार्ड क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मीडियम एंड इजी अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इजी या हार्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इजी मीडियम देके आप लोग को एसपी आ सकता है बट आपको डीएससी आ सकता है, ऐसा नहीं है, आपको हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे हो तो वीडियो को फिर से देख लो स्लो मोड करके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर ये आपको मेल आया ही होगा, तो ये मेल में आप लोगों को तीन पीडीएफ आएंगे, दो पीडीएफ होगा, एक वीडियो होगा, तीनों आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को मैं आपको बता चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट था, टेस्ट फॉर्मेट वगैरह देख लेना, पीडीएफ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेस्ट और हाउ टू प्रिपेयर, क्या पढ़ना है, डिफिकल्टी ऑफ हार्ड क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ एक वीडियो मेंशन किया गया। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वर्चुअल इंटरव्यू कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है, किस ब्रांच के लिए क्या पढ़ना है, सब कुछ बताया गया है। और आपका ये है आपका सिंपल टेस्ट, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, अगर आपको पेपर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पेपर है, दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये आपका वीडियो, ये वीडियो आपको देख लेना, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो, आप लोग चेकआउट कर लेना। इसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे एग्जाम देना है, क्या पढ़ना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी वही सेम इसमें बताया गया, आप लोग वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जो आपका एग्जाम का लिंक आया है ना उसमें आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। अब देखो रिजल्ट सर डिक्लेयर कब होता है, रिजल्ट बेसिकली डिक्लेयर होता है 10 से 15 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ और अभी भी देखो एग्जाम का लिंक आ सकता है, डरने की बात नहीं है, अभी आप लोग कुछ दिन और वेट करो, ठीक है, एग्जाम लिंक आने का। ओके तो मैं देख लेता हूँ, मैं अभी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और मैंने बता दिया फिर अभी आपके पास उम्मीद है आने का, क्योंकि अभी टाइम है 29-30 जुलाई में टाइम है, तो आप लोग अभी 1 से 2 दिन वेट और कर सकते हो। ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ रिटर्न ML यस यू आर एलिजिबल सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ फॉर अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया फिर आपको जो यहाँ पर ओवरऑल जो है आपको 60 और 65 के बीच में आपको कट ऑफ रखने पड़ेंगे आपका स्कोर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 3 आने वाले हैं, मैंने कट ऑफ बता दिया। फिर आपको अगर आप लोग तीनों, मैंने बताया ना अभी तीनों में अगर सॉल्व करते तो आपको एसपी मिलने वाला है, अगर आपको दो सॉल्व करते तो आपको डीएससी मिलने वाला है। टोटल राउंड आपको होने वाला है दो, पहला कोडिंग राउंड, देन आपका इंटरव्यू राउंड, एग्जाम इन बैचेस, यस इन एग्जाम का बैचेस में होने वाला, किसी का 29 थे, किसी का 28 थे, किसी का 30 ऐसा होने वाला है। वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला, यस रिजल्ट डेट आपका रिफंड डिक्लेयर होगा 10 से 15 के वर्किंग डेज के अंदर में। तो आई थिंक दैट्स इट, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप कमेंट पूछ सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहाँ भी अपने डाउट को क्वेरीज को पूछ सकते हो। और बहुत प्रिपरेशन को लेकर इंटरव्यू को मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, ऑलरेडी काफी लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, तो आप लोग मेक श्योर फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। और अगर आप और आवाज कोडिंग को सॉल्व करने का फिर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, डिफरेंट आपको साइट मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है।